इस वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे। प्रतिशत जो है ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, तो इसके बेसिक पॉइंट जो है वो पहले लिख देते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत जो है प्रतिशत दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है प्रति, इसका मतलब होता है प्रत्येक, सत। दूसरा है सत, इसका मतलब होता है सत है, सत का मतलब है सौ। अब प्रत्येक, प्रत्येक सौ में, इसका मतलब है सौ, इसका मतलब है प्रत्येक, प्रत्येक सौ में। अब इसको देखिए, एक पॉइंट और लिखते हैं, जैसे कि इसको एक्स प्रतिशत। अब इसको हम इस तरह से एक्स बटा एक सौ के रूप में लिख सकते हैं, हो गया। अब इसी तरह एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 450 का 30% कितना होगा। तो इसमें देखिए, इसको इस तरह से हल करेंगे, 450 × 30%, तो 450 × 30 अब बटा हो जाएगा 100। अब देखिए, ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो काटिए, अब 45 दिए हो जाएगा 135। दूसरा नंबर प्रश्न में 500 रुपये का 20% का 15%, 15% का 10% होगा। तो हम इसको सिंपली हल कर देंगे, 500 × 20% × 15% × 10%। अब देखिए, 500 × 20 का बटा हो जाएगा 100 × 15 × 100 × 10 × 100। ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 5 × 5 = 20 = 100 कट गया। अब ये 20 और ये 20 काट दीजिए, अब ये 1 0 1 0, तब इसको बच गया 15/10, तो बराबर में लिखेंगे 1.5, इसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है तथा उस पर दुकान वाला 25% की छूट देता है, तो शर्ट की कीमत बताइए। तो देखिए, इसमें उसी तरह से हल करेंगे, तो लिखेंगे 500 × 25%, तो 500 × 25/100, ठीक है। अब 25/100 हो गया, अब ये 00, ये 00 काट दीजिए, अब हो गया 5 × 25, तो ये हो गया 125, 125 रुपया हो गया। तो मूल रुपया कितना रेट रखा है, 500, तो 500 − 125 तो हो जाएगा, यानी 5 × 2 = 7 = 4 = 3, 375। तो शर्ट की कीमत बराबर हो जाएगा 375 रुपया। कि रमेश की आय बराबर एक्स, तब हो जाएगा x × 65% बराबर हो जाएगा 650। तो x × हो जाएगा 65, और परसेंट का बटा हम लिख देंगे 100, और बराबर हो जाएगा 650। तो x बराबर लिखेंगे 650 × 100, अब बटा में आ जाएगा 65, तो 65 काट देंगे 10 बार में, हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000, 10 × 100, 1000 रुपया क्या हो गया। लिखेंगे, रमेश की कुल आय बराबर 1000 रुपया है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 छात्र में 3 अनुपस्थित है, उपस्थित छात्र का 20% होमवर्क नहीं बनाया है, तो कितने छात्र ने होमवर्क बनाया है। तो इसको सिंपली जो 38 है, तो हल करेंगे 38 में से 38 − 30 3 कर देंगे, और उसके बाद जो अनुपस्थित है 20%, तो 100% होता है, तो 20 अनुपस्थित है, तो इसका हो जाएगा, देखिए 100 − 20% अब बटा, अभी फिलहाल कुछ नहीं देंगे क्योंकि बटा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा प्रतिशत में, तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 35 × 80 अब प्रतिशत, तब इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, 35 × 80/100, ठीक है। तो अब देखिए, इसको काट सकते हैं, एक एक जीरो कट जाएगा, ये देखिए 5 × 10 और 4 × 8,
चार होगा, अब इसको काटते हैं, 5 एकम 7, तो इसका मान हो जाएगा 28। तो लिखेंगे 28 छात्र ने होम वर्क किया, शहर की जनसंख्या 9000 है, उसमें से 5/9 पुरुष है और शेष महिलाएं, पुरुषों में 40% विवाहित है, अतः विवाहित महिलाएं की प्रतिशत है। तो हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुल जनसंख्या बराबर है 9000, उसको लिख देंगे। अब पुरुष की कुल संख्या है, पुरुष की संख्या बराबर 9000 × 5/9, तब ये 9 और ये 9 काट देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000। 5000 जनसंख्या है पुरुष की तथा महिलाएं की संख्या। संख्या हो जाएगा 9000 − 5000, तो बराबर हो गया 4000। अब विवाहित पुरुष, इत पुरुष की संख्या, अब इसमें क्या होगा, देखिए 9 5000 में है, तो 5000 में ही विवाहित पुरुष होगा, तो 5000 गुणे हो जाएगा 40% में है, तो बटा करके प्रतिशत हटा के लिख देते हैं, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कर गया, तो ये हो गया 4×5 = 20, यानी कि 2000। अब विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं होगा यानी कि 4000 है, तो 4000 − 2000 होगा, तो हो गया 2000। तो विवाहित महिलाएं की प्रतिशत कह रहा है, तो महिलाएं का प्रतिशत, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2000 × 2000 होगा 4000, क्योंकि टोटल तो विवाहित 4000 है, और गुणे में हो जाएगा 100, तो ये सीधा कट जाएगा और ये हो जाएगा यानी 1/2 × 100, तो इसको काटेंगे तो निकलेगा 50%, इसका आंसर हो जाएगा।